दोस्त यूवी परमार। दोस्तों ये वीडियो बहुत लोगों के लिए फ़ायदेमंद है और कुछ लोगों के लिए कोई भी महत्वपूर्ण बात नहीं रखती। ये उन लोगों के लिए जो अभी नए नए कबूतर पाल रहे हैं, बाकी सबको पता है, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को सिर्फ जो नए लोग हैं जिनको पता नहीं है कि कबूतर का पैर कैसे लगाना है, या अलग मादिन या अलग नर लाए और उन दोनों का जोड़ा कैसे बनाना है, ठीक है, उन लोगों के लिए। दूसरे लोगों को ये वीडियो कोई मायने नहीं रखती क्योंकि उनको पता है, ठीक है। तो जो नए हैं उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। कुछ लोग कह रहे हमारा कबूतर जोड़ा नहीं लगा रहा किसी मादिन के साथ, ठीक है, पूरा दिन खुला रहने देते, ये करते वो करते, इस तरह से जोड़ा नहीं लगता। तो मैं बताता हूँ जोड़ा लगवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आपको जोड़ा लगवाना है तो आपको सबसे पहले, जैसे कि आप एक ऐसा बड़ा सा केज ले ले जिसमें नर और मादिन, देखिए, ठीक है, ये आराम से एक नर और मादिन और दो बच्चे भी आ सकते हैं, ठीक है, इस तरह का एक बड़ा सा केज ले ले। और जो नया नर और नई मादिन है उन दोनों को जब भी खाना खिला के आप केज में बंद करो तो उन दोनों को साथ में रखो, ठीक है। जैसे ये नया नर और इसके साथ जो भी जोड़ा ना लगाना है जिस मादिन का, उनको साथ में बंद करो, ठीक है, पूरी रात उन्हें साथ में रखो। जब भी रखो तब साथ में रखो आप। फिर ऐसा नहीं कि दाना नहीं खिलाना, साथ में अंदर ही पूर देना है। ऐसे खाना खिलाने के लिए आप जब बाहर निकालो तब ठीक है, लेकिन जब उन्हें बंद करना है तब उन्हें केज में बंद कर देना है और एक ही खाने में, ठीक है, एक ही दरबे के अंदर दोनों साथ रहे, इस तरह से बंद कर दो। तो इससे क्या होगा, उन लोगों के अंदर फाइट होगी। कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमारे कबूतर लड़ रहे हैं अंदरों अंदर, फाइट कर रहे हैं, एक का खून निकल गया। तो दोस्तों ये तो रहता है शुरुआत में, ठीक है, इसका कोई वो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जब जोड़ा लगता है तो कबूतर फाइट भी करते हैं अंदरों अंदर, ठीक है। और बाद में क्या होगा, जो मादिन है वो नर के नीचे झुक जाएगी, वो अपना सर नीचे कर लेगी। इससे क्या होता है कि वो जता देती है कि वो हार गई है, ठीक है, और फिर वो अंदर अंदर अपना जोड़ा लगा एक दूसरे के ऊपर घुटकना शुरू कर देंगे। इससे पता लग जाएगा कि उन लोगों का जोड़ा लग चुका है पूरी तरह से, ठीक है। इसमें कोई, ये जो सिर्फ नए लोग पाल रहे हैं उनके लिए है, ठीक है, दूसरे लोगों के लिए महत्वपूर्ण बात नहीं है, सबसे आसान बात है, लेकिन जो नए हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए ये था, जो कन्फ्यूज़ होते हैं कि जोड़ा कैसे लगाना है अलग कबूतर और दूसरे नर का साथ में, तो उन दोनों को साथ में रखा करो, दो दिन ज़्यादा से ज़्यादा, दो या तीन दिन में कंप्लीट जोड़ा लग जाएगा। और लोग पूछते कि अंडे कितने दिन में देते हैं, तो अंडे दिन वो जब जोड़ा लगता है, ठीक है, फिर वो मीटिंग स्टार्ट करते हैं, उनके 20 या 25 दिन के बाद वो अंडे रखना शुरू करेंगे वो, ठीक है। शुरुआत में तुरंत 10 या 15 दिन में नहीं रखेंगे। अगर फर्स्ट टाइम कबूतर अंडा रखे तो उसे कभी कभी एक महीना या ढाई महीना भी लगते हैं, ढाई से तीन महीना भी लगता है कुछ कबूतरों को, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो तुरंत ही अंडा रख देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो थी जो नए लोग हैं उनके लिए, ठीक है, और आगे भी शेयर कर दो जिन लोगों को नहीं पता है, जो जोड़ा लगवाना चाहते हैं, ठीक है, दूसरा नर और दूसरी मादिन का, तो उनको भी शेयर कर दे। और चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।